नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक रसोई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज दम बिरयानी। उसके लिए ये सामान मैंने रखा है। इसमें मैंने सब्जियाँ ली हैं कटी हुई, कुछ थोड़ी गोल वाली बीन्स है, गोभी है जो बहुत ना छोटी कटी हो ना बड़ी कटी हो, इतनी छोटे छोटे टुकड़ों में हो, और ये मैंने गाजर काट ली है, और ये पनीर के कुछ क्यूब्स ले लिए हैं। आपको पनीर डालना है तो ठीक है, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। और ये मटर के दाने हैं, ये मैंने प्याज पतले पतले कट करके रख दिए हैं, इसको फ्राई करना है। ये पुदीने की पत्तियां हैं, जीरा है, हरा धनिया है, दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये तड़के के लिए तेजपत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, और ये छोटी इलायची को मैंने कूट के रखा। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर इस्तेमाल, और ये जावित्री, थोड़ी सी काली मिर्च, ये थोड़ा नमक, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। आपके पास बिरयानी मसाला है तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, कुछ धागे जो है केसर के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये उसके लिए मैंने चावल लिया है, बासमती राइस है। ये देखिए मैंने आधे घंटे पहले इसको भिगा के रखा है। आप बिरयानी बनाने से पहले आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले आप चावल को जरूर भिगाइएगा। अब इसका पानी मैं निकाल दूंगी। देखिए मैंने गैस के ऊपर भगोना चढ़ा दिया है। अब इसको पैन में पानी डालूंगी मैं चावल को उबालने के लिए। अब इसमें हम ये तड़के का सामान डालेंगे, और ये बड़ी इलायची थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे, इसको ऐसे करके डालेंगे। अब जब पानी उबलने लगेगा थोड़ा सा घी डालेंगे, एक चम्मच इसके अंदर घी डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जब पानी उबलने लगेगा तब हम इसमें चावल डालेंगे, और चावल को ऊपर नीचे हो जाने दीजिएगा। उसी में उबलते हुए पानी में चावल बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको धीमी आंच पे पका लीजिएगा, लेकिन चावल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 80% तक आप उसको पकाइएगा। अब पानी कुकर में पानी उबलने लगा है। अब देखिए मैं इसमें चावल, सारे चावल ऐसे डाल दूँगी, और चावल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 80% तक पकाना है, क्योंकि इसको अभी हम दम देने के लिए भी रखेंगे तो उसमें भी पकेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पक जाएगा। और उबलते हुए पानी में एक मिनट के लिए, उसके बाद इसको धीमे करके पकाएंगे। चावल पक रहा है, अब हम सब्जियों को सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारी सब्जियाँ एक बड़े बर्तन में निकाल के हम अंदर हम थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे, थोड़े सा हरा धनिया, इसमें हम ये कुटी हुई इलायची डाल देंगे, हरी इलायची कुटी हुई, इसको डाल देंगे। हमने जो ये मसाले रखे हैं सारे, और ये गरम मसाला, गरम मसाला डालिए या बिरयानी मसाला डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरम मसाला मैंने अपना घर में बनाया है, थोड़े से केसर के धागे, नमक। अगर आपके पास गुलाब का एसेंस है या गुलाब जल है तो आप वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही, देखिए हमारा चावल ऐसे उबलने लगा है। अब हम इसको धीमे करके पकाएंगे। अब ये इसको जितना साइज पकड़ना है, जितना लंबा होना है, अब ये हो गया, 3 से 4 मिनट तक ऐसे पकाएंगे। उसके बाद इसको आँच को धीमा कर देंगे, और धीमे आँच में इसको 80% तक पकने देंगे। अब देखिए ये मैंने सब मसाले इसमें डालिए, सब कुछ वो कर दिया। अब इसको हम मिक्स मिला लेंगे, और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मसाले सब कुछ दही में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरी चीज कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, क्योंकि हमको प्याज फ्राई करना है। थोड़ा तेल और थोड़ा सा घी, मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, और थोड़ा सा तेल। अब इसको हम गरम करेंगे। मेरा तेल गरम हो गया है, घी डालने से प्याज फ्राई करने पे उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब मैंने इसमें कटे हुए प्याज डाल दिए, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, सुनहरा होने तक इसको फ्राई करेंगे।
अब हमारा चावल देखिए पक गया है, 80% तक पक गया है। अब हम इसको छान लेंगे। और ये तेज पत्ता, ये इसको निकाल के बाहर डाल देंगे, इसको इसे फैला लेंगे। मैं अपनी बिरयानी आज इस मिट्टी की मटकी में बनाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छी बनती हैं। मैं वैसे भी इस मिट्टी के मटकी में दाल वगैरह कभी कभी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको इस सब्जी में इसी में पकाऊंगी ताकि ये चिकना हो जाए और सारी मसाले की महक खुशबू इसके अंदर भर जाए। तो मैंने इसको गर्म कर लिया है धीमी आँच पर। अब मैं इसमें ये जो प्याज का तेल बचा हुआ है इसको फेंकना नहीं है, इसको मैं इस मटकी में डालूंगी सब्जी पकाने के लिए। तेल तो गरम है पहले से ही, इसमें मैंने ये तेज पत्ता डाल दिया, जीरा डाल दिया और ये मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, इसको भी डाल रही हूँ। अगर आपको लाल मिर्च खानी पसंद है तो आप इस सब्जी को मिक्स करते समय इसी में ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। ये तला हुआ प्याज मैं थोड़ा सा इसमें डाल के मिक्स कर, अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा इसमें सारी सब्जियां डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट पक गया है, अब इसमें मैं सारी सब्जियां डाल दूंगी। सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको भी 80-90% तक ही पकाइएगा, क्योंकि जब हम दम देंगे तो सब्जियां भी पक जाएंगी, नहीं तो सब हलवा बन जाएगा उसी में। तेल को अच्छे से मिक्स करके पाँच सात मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि मुलायम ना हो जाए सब्जियां। सब्जियां मुलायम होने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस को आप कुकर में भी ऐसे ही, जैसे मैं मटकी में कर रही हूँ वैसे आप कुकर में या भगोने में भी कर सकते हैं। अब आप एक गैस पे पैन या कटोरी पैन या ऐसे तड़के वाला बाउल गर्म कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा डालेंगे घी 2 चम्मच के करीब। उसके बाद इसमें डालेंगे ये ऐसे लंबी लंबी काट के मैंने मिर्च रख ली है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध और इसी दूध में हम 2-3 धागे केसर के डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, और अगर बिरयानी एसेंस है तो बिरयानी एसेंस डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। ये मेरे पास था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। अब ये हो गया, हम गैस को करेंगे बंद। ये देखिए मेरी सब्जी ने इतना पानी छोड़ दिया है। अगर आपका सब्जी फ्रेश है और वो पानी छोड़ रही है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और अगर पानी नहीं छोड़ रही है तो आप थोड़ा बहुत थोड़ा 1/2 कटोरी या 2-3 चम्मच पानी आप देख लीजिएगा, पकने के हिसाब से सब्जी लगनी नहीं चाहिए बस। ऐसे छूट छूट के देख लीजिएगा कि सब्जी पक गई है कि नहीं पक गई। अभी मेरी सब्जी पकने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि ये मटकी के में पक रही है इससे थोड़ा प्रोसेस इसका लेट है। आप कुकर या कढ़ाई में पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगी। देखिए ये सब्जी, मेरी सब्जी पक कर तैयार हो गई है, ये हल्की हल्की दब रही है। अब हम इसमें मटकी को मैंने खाली कर लिया, अब इसमें हम ऐसे चावल को बिछा लेंगे नीचे, 1 परत चावल। उसके बाद हम ये डालेंगे, हो गई हमारी सब्जी, ये फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे, ये हरा धनिया और ये पुदीने की पत्तियां थोड़ी सी ऊपर। उसके बाद हम इसमें फिर से चावल बिछाएंगे।
थोड़ा सा प्याज बिछा देंगे और ढक्कन को ऐसे लगाएंगे। ये मैंने आटा पहले से थोड़ा सा गूंथ के रख के लंबा करके रखा हुआ था। अब हम इसको इस ढक्कन पे, अब हमने इसको ऐसे बैठा के पूरा अच्छे से करके धीमी आंच पे मटकी को कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे। जब तक हमारी बिरयानी में दम लग रहा है तब तक हम इसको रायता बना लेते हैं उसके साथ खाने के लिए। ये देखिए मैंने दही को फेंट लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है और ये मैंने छोटी छोटी हरी मिर्च काट के रखी है ये डाल देती हूँ मैं, और ये प्याज है ये डाल देती हूँ, ये थोड़ा सा पुदीने का पत्ता है छोटा छोटा मैंने काट लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसमें अब थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर दीजिए, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रायते में डालकर मिक्स कर लीजिए। ये हो गया बिरयानी के साथ खाने का रायता। ये देखिए मेरी अब हम 10 से 12 मिनट हो 12 मिनट से ऊपर हो गया है। अब मैं अपना इस मटकी को खोल के आपको बिरयानी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिरयानी बनके तैयार हो गई। अब ये इसको आप सर्व कर दीजिए और ये साथ में रायता। ये बिरयानी बनकर तैयार हो गई है और ये भी खाने लायक हो गई है। आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।